होता था बीएससी, आज हर ब्रोकर का हमेशा का 2 लाख करोड़ रोज का होता है। आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड, सो टू रिकॉग्नाइज के क्या सनराइज बिजनेस क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और उस समय बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें आए नहीं थे, पहले टाइम वो प्रोफेशनल कैटेगरी, मेरे पहले एक प्रोफेशनल कैटेगरी में 6 लोगों को लिया था जिसमें सुरेश भी था, वल्लभ साहब वगैरह सब उसमें थे। एंड फिर हमारे टाइम में 50 लोगों को लिया, 50 प्रोफेशनल्स को। तो उस समय लोगों को समझ में आया कि इसका एक वजूद है, इसका फ्यूचर है। और जो फ्यूचर उस समय मैं समझता था कि अभी इन्फेंसी है, सनराइज है, आज भी अनिल ये सनराइज है। क्या बात, ये बिजनेस अभी तो शुरुआत है। अभी वो जो इंडेक्स तो अभी तो 70-80 हज़ार पे पहुंच रहा है, सवाल ये है कि 10 लाख में पहुंचेगा। पहले मुझे लोग 50 हज़ार पहुंचते थे, कब पहुंचेगा, जब 5 हज़ार के ऊपर उड़ाए थे हमने पीएससी में तो लोगों ने कहा यार ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हो 5 हज़ार में, ये तो सीलिंग आ गई। जब भी मार्केट बढ़ता लोगों को लगता है कि इतना ऊँचे क्यों जाए। आज भी जो लोग मिलते हैं ये पूछते हैं कितना ऊपर क्यों है, मैंने कहा ये क्यों नहीं पूछो कितना और ऊपर जाए, वो नहीं पूछते। तो इसलिए ये सनराइज बिजनेस है, मेरा मानना है कि आज भी जो एंटर करेगा ये अगले 25 साल जो विकसित भारत की बात हो रही है कि जाके $30 ट्रिलियन की अपनी इकोनॉमी हो जाएगी, या उससे 50 की भी बात करते हैं, 40 की बात करते हैं, आप समझिए उस समय कितना फ्यूचर होगा इसका, बोथ एज इन्वेस्टर्स एंड बोथ एज कमिंग इनटू दिस प्रोफेशन इन व्हाटएवर वे यू कैन कम, व्हेदर यू आर